नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। जनकपुरक जनक चौक के स्थित एक कपड़ा दुकान में काल डायत आग लग गई, लाखों की क्षति। सेवाग्राही से घुस लेते काल नापी कार्यालय जनकपुरक अमीन अख्तियार के टोली से पकड़ाओ। मोर्चा सहमति में आबि गेल बाद प्रधानमंत्री झूठ प्रचार केने कहे, तमलोपाक उपाध्यक्ष लालक आपत्ति, मोर्चाक मांग यथावत रहल स्पष्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा के अंधनायल बात नहीं बाच, एमालेक अध्यक्ष ओली देलन चेतावनी। आ बॉलीवुडक चर्चित हास्य कलाकार जनकपुर में राधाकृष्ण मंदिर परिसर में बन लागल गेट के शिलान्यास। जनकपुरक जनक चौक स्थित एक कपड़ा दुकान में काल डायत आग लागल। जनक चौक स्थित न्यू अनूप इम्पैक्स में काल डायत आग लगी भेला से लाखों के सर सामान जरकर नष्ट भेलै छ। दुकान में रहल कपड़ा लत्ता सब जरकर नष्ट भेलै छ। महावीर चौक पांच रहनियार सुनील शाह के रेडीमेड कपड़ा दुकान में आग लगी भेलै छ। आई के जनकपुर उप महानगरपालिका के बारूण यंत्र स्थानीय आ प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। आग विद्युत शॉर्ट भक लागू होब सकबाक अनुमान कैल गेल। उम्हर डोटी के क्षेत्रीय सदर मुकाम दीपायल के पीपल्ला बाजार में आगलगी के कारण 2.5 करोड़ रुपया से बेसी के क्षति भेलै छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दीपायल के प्रमुख दिल बहादुर कुंवर के अनुसार आगलगी से 2.61,18,418 रुपया के नुकसानी भेल जनाओल गेलै छ। रविदिन जेबी आयल स्टोर में टैंकर से पेट्रोल धरक के समय में आग पसरला से पेट्रोल पंप सहित 3 दुकान जरकर नष्ट भेलै छ। नादुख 4579 नंबर के पेट्रोल भरल टैंकर आ 8 मोटरसाइकिल से जरकर नष्ट भेलै छ। पेट्रोल पंप नजदीक रहल डेबिट सर्विस पॉइंट बेच रखने एक स्कूटर सहित 4 अनटेस्ट मोटरसाइकिल मरम्मत के लिए गैरेज में राखल गेल से 3/45 से तथा डिवीजन सड़क के से 1/257 नंबर के गाड़ी, सागर भट्ट के से 1/774 नंबर के मोटरसाइकिल से जरल है। अहिना का आग से क्षति पहुंचला के बाद दीपायल में टेलीफोन आ इंटरनेट सेवा से ठप भेल। मधेश के जिला में मनाओल गेल चैती छठ पावन सम्पन्न भेलै छ। व्रतालु सब आई भिनसर उगत सूर्य के अर्घ देला के बाद छठ पावन सम्पन्न भेलै छ। व्रतालु सब काल नजदीकक नदी तथा पोखर में पहुँच कर डूबत सूर्य के अर्घ देने छल। छठ पावन कार्तिक आ चैत में वर्ष में 2 बेर मनाओल जात है। कार्तिक से चैत में मनाओल जाय वाला छठ में कम सहभागिता रहते है। पिछला समय चैती छठ पर्व मनाओ वाला सबके संख्या से बढ़े जा रहा है। चैती छठ के विधि विधान से कार्तिक के छठे जेहन रहित है। 4 दिन धरि मनाल जाय वाला ई पावन के पहल दिन नहा कर खा के चलन रहल तब पंचमी के दिन खरना होते है। खरना में व्रतालु निराहार पावन सांझ में विशेष प्रसाद चढ़ा कर खात है। छठ पूजा के मुख्य दिन व्रतालु सब नजदीकक पोखर आ नदी में जाकर सूर्य के अर्घ दैत है। छठ माता के पूजा के लिए कुशियार, भंटा, ठकुआ, भुसवा, केरा, नारियल के संगे माटि से बनल हाथी, घैल लगायत के सामग्री सब प्रयोग कैल जात है। सेवाग्राही संघ घुस लेते काल नापी कार्यालय के जनकपुरक अमीन रंगे हाथ पकड़ाओ पड़ल। सेवाग्राही संघ 30,000 रुपया घुस लेते काल अख्तियार के टोली जनकपुर उप महानगरपालिका 4 स्थित नापी कार्यालय धनसा टोली नंबर 2 के अमीन कृष्ण जोशी के पकड़ाओ कलक। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय बर्दीवास महतरी से SP राजकुमार लमसाल नेतृत्व में पहुंचल टोली जोशी के रंगे हाथ पकड़ाओ कलक। धनुषा को नापी कार्यालय में यो कुछ पीड़ित ने अभी मैं नाम उल्लेख करना चाहन्न। नापी कार्यालय को अमीन कृष्ण जोशी ने इनको के रहे पीड़ित को नापी हुँदाखेरि इनको जग्गा चाहिँ आफ्नै काका को नाम में पार दे रहे आफ्नो जग्गा उनको तो विषय में कार्यालय प्रमुखलाई आएर गुनासो गरे उनले। अनि कार्य प्रमुखलाई गुनासो गर्दा कार्य प्रमुखले सम्बन्धितलाई नै भेट्नु, उहाँले नै तपाईँको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ, मबाट हुँदैन भनिसकेपछि यो नापीको अमीन कृष्ण जोशी कहाँ जानुभएछ उहाँ पीडित कृष्ण जोशी कहाँ गइसकेपछि कृष्ण जोशीले तपाईँको काम चाहिँ म गरिदिन्छु तर तपाईँले हामीलाई केही गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। अब कार्य प्रमुखले के भन्नुभयो रे उसलाई भने सेवाग्राहीलाई तपाईँले अमीनलाई नै खुसी बनाउनुहोस्। अब खुसी बनाउने भन्ने अर्थ के हो त्यो आफै बुझ्नुहोस् तपाईँहरू। अमीनलाई खुसी बनाउनुहोस् भन्नु पऱ्यो अनि उसले गरिदिन्छ भन्नुभयो भन्ने पीडितको भनाइ छ है हामीसँग उजुरीमा। अनि त्यही हिसाबले हामीले उहाँसँग डिल गऱ्यौँ पीडितसँग, अनि पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा उहाँलाई हामीले ट्र्याक गऱ्यौँ। ट्र्याक गरेपछि
हामीले आयोगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट दिएको 30,000 रुपियाँ सहित उहाँलाई हामीले अहिले पक्राउ गरेका छौँ। एकगोटे सेवाग्राही के नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुरेश जोशी काका भतिजा के सम्बन्धित जमीन के कित्ता काट के काम टोली नम्बर 2 के अमीन जोशी मिलावत सक के सुझाव देने छल। वह सुझाव के आधार में सेवाग्राही अमीन जोशी समक्ष पहुंचला पर काम के नेपापत 30,000 घूस मांग कैल गेल। एसपी लमसाल बतौले थे वो नाम उल्लेख नहीं करके शर्त में वह सेवाग्राही अपना सबके 2 दिन पूर्व सूचना देने से हो बतौले थे। एमर नापी कार्यालय सनकपुरक प्रमुख सुरेश जोशी अपने घूस खा के नियत से ओहन नहीं कहने बरू ये काम टोली नंबर 2 करत कही का सुझाव मात्र देने बतौले थे। सबैको पछाडि गएर त हिँड्नु सक्ने कुरो त हुँदैन नि त। त्यसले गर्दा कुनै सेवाग्राही चाहिँ मर्कामा परिया रहेछ भन्ने कुरा म अहिले अब के हुन्छ प्रमाणित भइसकेपछि परिया रहेछ भन्नु छ नि मैले। त्यो पनि अब के हुन्छ अदालतमा जान्छ अख्तियारको उसमा जान्छ त्यसपछि उहाँहरूले कार्यरत गरेपछि मेरो मैले राख्ने नि म राख्नु पाउँदैन त्यो नागरिक राख्ने। प्रमुख जोशी आरोप सही ठहरल त अमीन जोशी के कार्रवाई करब से बताने से घूस लेने आरोप में पकड़ाव पड़ल बझांग निवासी जोशी के कानूनी प्रक्रिया पूरा कर अख्तियार के बुसाओल गेल। अपन टेलीविजन के प्राप्त भेल घटना होत समय के मोबाइल वीडियो में एहन देखल गेल। अभियुक्त जोशी अपने घूस नहीं लेने पर जेबी में पैसा धा देने दावी के नहीं आई छ। जनकपुर में सड़क विस्तार के काम गति नहीं लेला के बाद सर्वसाधारण सबके दुख भोग पड़ रहा है। एकीकृत शहरी विकास आयोजना अंतर्गत नगर विकास के काम गति नहीं लेब सकला के बाद नगर अखन कुरूप बन गेल। आयोजना काम कर वाला क्रम में अपना खुशी रूप में सड़क खन के मुदा वही के जल्दी से व्यवस्थापन नहीं कला से नगर कुरूप बने जा रहा आ सर्वसाधारण के दुख भोग पड़ रहा है। एशियाली विकास बैंक के करीब 1 अरब आर्थिक सहायता में संचालन कैल गए एकीकृत शहरी विकास आयोजना अंतर्गत सड़क नाला निर्माण के काम भर रहा है। सड़क विस्तार के काम गति लेब नहीं सकला से सर्वसाधारण सबके आवाजा में सेहो दिक्कत भ रहा है। नगर के बाजार क्षेत्र में खनने सड़क के कारण से सर्वसाधारण सबके समस्या भ रहा है। सड़क अपना खुशी रूप में खदिया बनौला से स्थानीय व्यापारी सब सेहो प्रभावित भेल। सड़क निर्माण के काम गति नहीं लेब सकला के बाद व्यापार के काम सब सेहो ठप्प भेल। स्थानीय व्यापारी श्याम प्रसाद साह जानकारी दिलत ओ महीनों से खदिया खनने सड़क के खदिया से व्यवस्थापन कर नहीं सकला से सर्वसाधारण सब दुख पौने आ अपने सब व्यवसायी अपना सबके व्यवसाय चौपट भेल से उपराग देने से मं हिड़न एकदम दारू पी जो हिड़न पर्च के व्यापार छेन भोलि आज करोलि भन्द भैर सड़क विस्तार के काम समय में समाप्त हाथ टाइम स्थानीय सब शंका व्यक्त के नहीं आई आपके 1 वर्ष भीतर संपन्न करा जाएगा। जनकपुर के सड़क विस्तार के ठेका शर्मा जेबी कंपनी लेने आई मुदा काम सुस्त गति में आगू बढ़ाल गया। एमर जनकपुर उप महानगर पालिका सड़क विस्तार के काम तीव्र गति में भरल दावी करते उप महानगर पालिका के इंजीनियर वीरेन्द्र यादव आयोजना के बेसी रकम नाला आ सड़क में रहल से बतौलन। आयोजना अखन धरि 14 किलोमीटर मात्र नाला निर्माण के काज संपन्न कने आई 32 किलोमीटर नाला निर्माण होबक चाही में अखन धरि ओ के आधा सेहो निर्माण काज संपन्न होब नहीं सकल। अहिना के 9.29 किलोमीटर सड़क निर्माण कर के लक्ष्य सेहो नाला निर्माण के कारण से अबेर भर रहा है। सड़क में गारल गेल पुल हटाब के किसी व्यक्ति सब अपन घर तोड़ के रहला के कारण से आयोजना के काम में किस अबेर होब गेल इंजीनियर यादव स्वीकार कल। अब जस्तो दूरसञ्चारसँग समन्वय गर्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने यावत कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति ढिलो हुन गइरहेछ। मायालास यसपालि हामीले यो आर्थिक वर्षमा यो सडक चाहिँ परिक्रमा सडक 5 किलोमिटर जति छ र त्यो परिक्रमा सडक कालो पत्रे गर्ने लक्ष्य हाम्रो रहेको छ र त्यसमध्ये हामीले केही पार्टमा काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। सडक विस्तारकै काम सम्पन्न नै भेला छ यही वर्षकै बरसातमै आरो कष्ट झेल परत
उपराग सर्वसाधारण सब देनी मुदा जनकपुर उपमहानगरपालिका सरोकार वाला निकाय संघ परामर्श कक सड़क व्यवस्थापन में ध्यान दे प्रतिबद्धता जननी सड़क आ नाला के उचित व्यवस्थापन नहीं भेला से जनकपुर वासी सब दुख भोगत आयल। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल भेले नहीं भेल बात के सहमति के प्रसार में अन्य उल्लेख करते आपत्ति जनौलन। पार्टी उपाध्यक्ष ब्रिकेश चंद्रलाल प्रधानमंत्री दाहाल मधेशी मोर्चा सहमति में आयल कह के प्रसार केने कहते आपत्ति जनौने रेवी राजधानी में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजे तो सरकार अपना सब बीच कोनो विषय में सहमति होब जका परामर्श नहीं भेल से स्पष्ट कलथ। मधेशी मोर्चा के नेता से रहा उपाध्यक्ष लाल मधेश के मांग संबोधन होब जका संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित नहीं भेल तो निर्वाचन होब नहीं देव कि अपन सबक अड़ान यथावत रहा से दोहरलथ। वार्ता को कुरालाई रणनीति अंतर्गत सहमति भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडी बढाइदैछ त्यो प्रचार प्रसार गरिदैछ। म यहाँहरु समक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै तर्फबाट एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि सहमति भएको छैन। हामी आफ्नो भनाईमा र हाम्रो भनाई यथार्थ हो हाम्रो सत्य भनाई हो। यो संविधानलाई मधेसी आदिवासी जनजाति दलितको एजेंडा अनुसार यो एजेंडा संबोधन होने गरी संशोधन नगरी जेलसम यो निर्वाचन को कुनै पनि प्रक्रिया में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा भाग पनि लिदैन त्यसको अवरोध पनि गर्छ र अवरोध मात्र हैन जति सक्छ त्यति अवरोध गर्छ र परिणाम त पछि नै देखाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा प्रश्न हुनु पर्छ। उपाध्यक्ष लाल अपने सब निर्वाचन विरोधी नहीं रहा से दावी कल ओ लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता अनुसार निर्वाचन में जा सक के उल्लेख करे तो के लिए सरकार अपन सबक मांग जेने के तेने संबोधन कर पड़त जिक्र से कल। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक डाक्टर बाबूराम भट्टराय के प्रहरी पकड़ाउ कल दलीय चुनाव चिन्ह के मांग करते रवि दिन निर्वाचन आयोग घेर गेल संयोजक भट्टराय बहादुर भवन स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय आगू प्रदर्शन के क्रम में पकड़ाव पड़ल। संसद में प्रतिनिधित्व कैनिहार दल के मात्र चुनाव चिन्ह प्रदान कर के निर्वाचन आयोग के निर्णय विरुद्ध कड़ा नाराबाजी करते नया शक्ति पार्टी नेपाल सहित 64 दल निर्वाचन आयोग के केन्द्रीय कार्यालय 2 घंटा के लिए घेराव कने। घेराव के क्रम में प्रदर्शनकारी सब निषेधित क्षेत्र तोड़ चाला के बाद नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक भट्टराय संगे पार्टी के नेता नेत्री हिसिला यमी परशुराम तमाङ पूर्व गृह राज्य मंत्री रिजवान अंसारी नेकपा माओवादी क्रांतिकारी के वरिष्ठ नेता सीपी गजुरे लगायत के 60 गोटे से बेसी नेता कार्यकर्ता पकड़ाउ पड़ल। आयोग के कार्यालय आगू पकड़ाउ पड़ल पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराय सहित नेता सबके प्रहरी ट्रक में धक महाराजगंज स्थित नेपाल प्रहरी के 2 नंबर गण में रखने। भट्टराय सहित नेता कार्यकर्ता के पकड़ाउ कला के बाद प्रदर्शनकारी सब सरकार आ नम्हर 3 दल विरुद्ध आरोप नाराबाजी कने। ओ सब दलीय चुनाव चिन्ह के व्यवस्था नहीं कल निर्वाचन बहिष्कार कर के सेहो बाध्य चेतावनी देने। समावेशी पार्टी अध्यक्ष मोतीलाल भारती स्थानीय तह के निर्वाचन में दलीय चुनाव चिन्ह उपलब्ध नहीं करलक त निर्वाचन बहिष्कार कर बाध्य चेतावनी देने। ओ सरकार आ नम्हर 3 दल देश में तानाशाही व्यवस्था लाद चाहने कहित आपत्ति सेहो जनौलथ। अनिवार्य हाम्रो चिन्ह पाउनु पर्छ, चिन्ह पाए हामी चुनावमा जान्छौं, बहिष्कार हुनुको आन्दोलनमा जान हामी तयारी छौं। एमर निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह के व्यवस्था एन कानून अनुसार होब के उल्लेख करते ओ में पुनर्विचार कर के काज अपन नहीं रहल से स्पष्ट करते आयल। निर्वाचन संबंधी एन में संसद में प्रतिनिधित्व कैनिहार बाहक के स्वतंत्र चुनाव चिन्ह देव के व्यवस्था कैल गेल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय तह के निर्वाचन सहज रूप में संपन्न होबैक दावी कलन। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा निर्वाचन विरोधी गतिविधि आगू बढ़ाब रहा समय प्रधानमंत्री दाहाल देश के अतिवाद में ज्या नहीं देव सब दल सबके मिलकर आगू बढ़ के विकल्प नहीं रहा से बतौलन। रेवदिन सिंह दरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में मधेशी जातीय समन्वय समाज पदाधिकारी संघक सामूहिक भेंट में ओ सरकार मधेशी मोर्चा के साथ में लकर निर्वाचन संपन्न कर अधिकतम प्रयास कर रहा से स्मरण करलथ। प्रधानमंत्री दाहाल अतिवाद से देश आ जनता सबके घाटा पहुंचात उल्लेख करते मिलकर आगू बढ़ आंदोलनरत मधेशी मोर्चा से पुनः आह्वान कलथ। सरकार र मोर्चाको बीच खाने निर्वाचन सहज वातावरणमा हुन्छ भनेर लागिराखेको छु म। हामी सबै मिलेर अतिवादतिर जान दिन भएन क्या देशलाई। मधेसमा अतिवाद भयो भने मधेसी जनतालाई घाटा, राष्ट्रलाई नै घाटा, देशलाई घाटा हुन्छ। पहाडमा अतिवाद भयो भने पहाडी जनतालाई नै घाटा, मधेसलाई पनि घाटा, राष्ट्रलाई घाटा हुन्छ। मिल्नुको कुनै विकल्पै छैन क्या। हामी तपाईँहरूले
सरकारको तर्फबाट लगातार प्रयास भएको भएकै छ। एउटा अप्ठ्यारो के हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, दुई तिहाई सरकारसँग छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधनके लेल दुई तिहाई मत पहुँचके अवस्था नै रहला, तत्काल ओहिके आगू नै बढाओल गेल सेहो दोहरलथि। भेटमे समाज प्रधानमन्त्री दाहालके मधेसके माग सम्बोधन कऽ कऽ मात्रै निर्वाचनमे जाय पड़त लगायतके माग सहितक 10 सूत्री ज्ञापन पत्र बुझलकै छ। मधेस केन्द्रित विभिन्न 23 जातीय संगठनद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमे सप्तरी घटनाके दोषी उप कड़ा कारवाही कर आ पीड़ित परिवारके यथेष्ट क्षतिपूर्तिके व्यवस्था कर सेहो माग कयल गेल छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाके अन्ठान्याल बात नै बाजा चेतावनी दिले नै छ। अध्यक्ष ओली एमाले देशके विखण्डन गर्न चाहने आरोप लगबैत देउवा चलल उल्लेख गरेत आक्रोश सेहो व्यक्त कलेथ। रेदिन काठमाडौँमे स्थानीय तहके निर्वाचन अभियानके शुभारम्भ करैत आयोजित ओ एमाले देशके एकताबद्ध बनाव चाहला पर सामाजिक सद्भाव भाड्ने आरोप लगाबके कुनो अर्थ नै हात सेहो बतलेथ। अध्यक्ष ओली देउवा आइजिपी अपने जिल्ला गाम के नै भक नैहात कहैत क्षुद्र व्यवहार देखने टिप्पणी सेहो कलथ। ओ सौंसे देश के समृद्धि के परिकल्पना करय वाला एमाले के आरोप लगाब के कोनो अर्थ नैहात सेहो स्पष्ट कलथ। अध्यक्ष ओली निर्वाचन के बाद देश एमाले में हाथ दाबी सेहो कलथ और निर्वाचन कोनो बहाना में नै रुकत सेहो बतलथ। निर्वाचन नै रुकत आ एमाले के विजय होबस केओ कोनो शक्ति रोकु नै सकत हुनकर कहब छलैन। अध्यक्ष ओली देशभर एमाले प्रवेश करय वाला सबके लाइन लागल सेहो दाबी कलथ। हावा परेको बेलुन जस्तो लाल परेपछि हावा निस्केपछि के हुन्छ नातिमा हावा निस्किन्छ ठुलो बेलुन हावा फुटिएपछि कति साह्रो त्यसको हात नाको केही हुन्छ त्यसरी हात नाको हुन्छ अनि जनताले प्रणाली चलाउँछ लोकतन्त्र चलाउँछ जब तक आफ्नो टेलिभिजन शासन नै छ है र अब स्थानीय निकायहरू र स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराइएको छ। अध्यक्ष ओली निर्वाचन होब नै देव बाबुराम भट्टराई नेतृत्व के नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल लाइक परल आरोप लगबैत आपत्ति सेहो जनलथ। जनकपुरमे व्यापारी सब कह रहल रिले अनसन तोड़ल गेलै छ। स्थानीय विकास अधिकारी आ व्यापारी सब बीच काल्हि साँझ सहमति भेलाके बाद तीन दिनसँ जारी रिले अनसन तोड़ल गेल। धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी संत बहादुर सुनार उद्योग वाणिज्य संघ के संसदीय विकास कोष से उपलब्ध कराओ वाला कहल गेल 65 लाख रकम उपलब्ध कर के संसद सब संग सहमति भेला के बाद अनसन तोड़ाओल गेल बतलथ। फ्रिज त हुँदैन हाम्रो, हामीसँग समय छ होइन, हामी फ्रिज त बजेट फ्रिज गर्ने मन सायद हाम्रो छैन। माननीयज्यूहरूको मिटिङबाट निर्णय भएर निर्णयअनुसार हामी कार्यान्वयनमा लैजाने बजेट फ्रिज गर्ने। दिनभर जिल्ला विकास समितिमे भेल घमसाघमसी पश्चात काल्हि साँझमे सहमति भेलै छ। नेपाल ट्याङ्कर चालक संघ अपना सबसँग अन्याय भेल कहित सिडिओ संघ सहयोग मग्ने अछि। संघक अध्यक्ष जोगी यादव बेर माग करितो ट्याङ्कर चालक सबके तलब वृद्धि आ रास्ता खर्च तथा भत्ता नै देने कहित अभावके बीच काम कर मुश्किल भरल बताने छथि। बाटो खर्च न ड्राइवर के जे एते दूर बरौनी से ढानी करे 500 किलोमीटर के दरमियान में गाड़ी चला के अभी वही के मतलब तलब बाटो खर्च मंगित दूसर गाड़ी धनी से नहीं दी चाहिए वही के लिए अहाँ के दूसर दिन दिन सी डी ओ कार्यालय में गुनासो रखने ये सब नहीं दिया वाला भले कम से कम नहीं देवे सर तो गाड़ी नहीं चलती है
इला तो जब पेटे नहीं भरती तो केना का चलत वही दुआरे ये सब की गीता हमरा सबके जानी सब सीधे साहब के आगे छै पकड़ा 500 लक 700 किलोमीटर धरके यात्रा तय करा परल मुदा रास्ता खर्च आ तलब वृद्धि होबे नै सकला अपना सबके काम कर मुश्किल भ रहलो सब उपराग देनी है छ 800 सम्म हाजिरी छ भनी एउटा हामी एउटा सम्बन्धित क्षेत्रको एउटा चाहिँ ट्याङ्की चलाइरहेको हामीहरु अवस्थामा अब अहिले आएर साउहरु यो मंगाएको जमानामा हिजो के कति थियो त्यसबाट सन्तुष्टि भएर साउ पक्ष ड्राइभर पक्ष दुईटै मिलेर काम गरिराखेका थियौ र अहिले आएपछि साउहरुलाई पनि ठीक छ साउहरुको भनाइ पनि आयो गुनासो आयो हामीलाई पनि धेरै आम्दानी बचत छैन हामी धेरै तलब वृद्धि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको गुनासो आयो त्यो पनि एउटा स्वाभाविक कुरा छ र हामीले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै त्यसमा हामी हेर्दै हामी मजदुरहरूले पनि हामी आन्दोलनमा गएका होइनौँ र हामी चाहिँ साउपक्ष पनि बाँचौँ र हामी मजदुर पक्ष पनि बाँचौँ विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म काम गर्दै आएका हाम्रा कति बुजुर्ग हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ हामीभन्दा अग्रज हाम्रा गुरुजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले यो अवस्थामा आएर अब उहाँहरूको रोजगारी विस्थापित गरिदिने उहाँलाई चाहिँ अनि अब हामी यति तलबभन्दा बढी दिनु सक्दैनौँ भन्ने जुन एउटा प्रावधान बिचमा आएको छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हाम्रो कुरा नमिलेर चाहिँ ठिक छ अहिले महँगाईको युगमा कति जति दिँदाखेरि उचित हुन्छ त्यति तपाईँहरूले हामीलाई दिनुहोस् हामीलाई पनि बालबच्चा हाम्रो पेट भर्नु पऱ्यो र हामी पनि काम गर्छौँ भन्ने पक्षमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई हामीले गरेको मागमा धेरै लागेको छ र उहाँहरूले पनि निम्न एकदमै कम तलब दिएको अनुसारले त्यसले हामीलाई नपुग्ने अवस्था भएको कारणले अनि हाम्रो मजदुर साथीहरू सबैजना चाहिँ यति तलबमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ किछ दिन पूर्व संघका अध्यक्ष यादवके प्रहरी एकाएक पक्राउ केने छल अपनाके बिना कारण प्रहरी पक्राउ केने आ असुरक्षित महसुस भरालास सेहो अपने सब प्रमुख जिलाधिकारीके भेट आयल यादव बतलेत एमर प्रमुख जिलाधिकारी यादव कोनो टैंकर चलन नै देव आ अपने सब टैंकर के चाबी टैंकर धनी के बुझाव कहे धमकी देला से पकड़ाउ कर पड़ल बताने छत अब खबरदार तैँले चलाइछ भने तँलाई ठिक गर्छु भन्ने किसिमको कुराहरू नगर्नुहोस् तपाईँहरू सुन्नुहोस् न अब फेरि तपाईँ धेरै तर्क नगर्नुहोस् क्या हामीकोमा आइसकेर चाहिँ यो तर्क नगर्नुहोस् मेरो भनाइ के छ भने तपाईँको मैले त्यतिखेर के भनेको छु भने यो ह्याबी चलाउने ड्राइभरहरूको पनि सम्मान हुनु पर्यो उसले पनि उचित पारिश्रमिक पाउनु पर्यो उसलाई पनि तलमाथि नगर्नुहोस् मालिकहरूले र तपाईँहरू पनि के भने एउटा अनुशासनमा बसेर आफ्नो सेवा चाहिँ दिनुहोस् भनेर मैले भनिसकेपछि त्यो विरुद्ध गर्दै ल कोही पनि चलाउँदैन बन्द गर्ने भन्न पाइन्छ आफ्नै सब के माग पूरा नै भेल त ट्याङ्कर चलाव छोडेर आन्दोलनमा जाबो सब चेतावनी सेहो देने छल जापानमै करेन्ट लागेको एक गोटेको मृत्यु भेलै छ मृत्यु होवलामै भद्रपुर नगरपालिका दुके कुमार मगर रहलै छ ओ नेपाल विद्युत प्राधिकरण भद्रपुर वितरण शाखामै कार्यरत छलेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाके अनुसार विद्युत पोलमै चढ़िकै बिजुली मरमत गरेकै क्रममै हुनका करेन्ट लागल छल करेन्ट लागेर गम्भीर घायल भेल हुनकर विराटनगर स्थित न्यूरो हस्पिटलमै इलाजकै क्रममै मृत्यु भेल प्रहरी जनाउलकै छ भारतक चर्चित कलाकार राजपाल यादव जनकपुर आयल छलेत कलाकार यादव जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 स्थित श्री राधाकृष्ण मन्दिर परिसरकै मूल गेटकै शिलान्यासकै लेल जनकपुर आयल छलेत यादवकै जनकपुरवासी सब अभिनन्दन सेहो केने छल तिरुतिया गाछीमै भेल अभिनन्दन कार्यक्रममै व्यापक मात्रामै सर्वसाधारण समर्थक शुभचिन्तक लगायतको उपस्थिति देखल गेल ओहि क्रममै सांस्कृतिक कार्यक्रम सब सेहो कयल गेल छल भारतक मुम्बईसँग काठमाडौँ होइत काल्हि बिरियामै ओ जनकपुर आयल छलैत कलाकार यादव काल्हि साँझ सडकके रास्ता भए कऽ पटना पहुँचल छथि बहुते चलचित्रमै अभिनय केने यादव बलिउडके चर्चित हास्य कलाकार छथि आप इन्टरनेशनल न्यूज रुसके मस्कोमै सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमै उत्रल कम्तीमै 31 गोटे पक्राउ परलै छ हरेक रवि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको क्रममै प्रहरी 31 गोटे विपक्षी दलके प्रदर्शनकारीके पक्राउ केने जनाउल गेलै छ बितल रविदिन सब विपक्षी दल मस्कोमै प्रदर्शन गरेत आलै छ बितल हप्ता विपक्षी दलके मुख्य नेता एलेक्स नाभाल्नी सहित किछ गोटे पक्राउ केने छल बितल हप्ता मस्कोमै हजारौंके सहभागितामै रहल 1000 सँ बेसी प्रदर्शनकारी पक्राउ भेल छल ओ 5 वर्ष एम्हरके बेसी रहल जनाउल गेलै छ मुदा यही रवि दिन 100 के हाराहारी में प्रदर्शन में सहभागी भेल छल प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदमेद भले राजनामा देव परत मांग करते आल अंतिम हेडलाइन्स एक बेर फेर छ
जनकपुर के जनक चौक स्थित एक कपड़ा दुकान में काल रात आग लगी, लाखों के क्षति। सेवाग्राही संघ घुस लेते काल नापी कार्यालय जनकपुर कमीन अख्तियार के टोली सब पकड़ाओ। मोर्चा सहमति में आबि गेल बा प्रधानमंत्री झूठ प्रचार केने कहे तमलोपा के उपाध्यक्ष लालक आपत्ति, मोर्चाक मांग यथावत रहल स्पष्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के अंधनायल बात नहीं बासो, एमाले के अध्यक्ष ओली देलन चेतावनी। आ बॉलीवुडक चर्चित हास्य कलाकार जनकपुर में राधाकृष्ण मंदिर परिसर में बन लागल गेट के शिलान्यास कलन। अपनी जखन के लिए लगपे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।